अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास इंटर, आई एम मुर्तजा अब्बास। नाउ अ टॉपिक डिस्कस अबाउट द बोन्स एंड द कार्टिलेज। सही है बेटा, आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, बोन्स और कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखें, जो एंडोस्केलेटन जो होता है ना ह्यूमन में, वो किसका बना हुआ होता है, बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ होता है। सही है बेटा, अभी एंडोस्केलेटन जो होता है, द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स जो एंडोस्केलेटन जो होता है ना वर्टिब्रेट्स का, वो बेसिकली जो है ना बना हुआ होता है दो टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू का। अभी आपने पढ़ा हुआ है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ना, वो हार्ड और क्या होते हैं, टॉप होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट भी होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो एक आर्गन को दूसरे आर्गन से जो है ना वो कनेक्ट करवाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज कहलाते हैं। सही है बेटा, तो अभी जो वर्टिब्रेट्स का जो एंडोस्केलेटन जो होता है ना, वो दो टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज पर मुश्तमिल होता है। वो जो कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, बोन्स कहते हैं और कार्टिलेजेस कहते हैं। मतलब बोन्स और जो कार्टिलेज होता है ना, वो दो टाइप्स के क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और ये जो होते हैं बोन्स और कार्टिलेज, क्या करते हैं, ह्यूमन का या जो भी वर्टिब्रेट्स जो होता है ना, उसके एंडोस्केलेटन को जो है ना वो यही बनाते हैं। अच्छा बेटा, अब उसके बाद क्या होता है, सेल्स ऑफ कार्टिलेज जो है ना, कॉल्ड जो है ना, मतलब कॉन्ड्रियोसाइट्स। बेटा कार्टिलेजिस के जो सेल्स होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट्स एक्चुअली द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज। सही है, कार्टिलेज के सेल्स को ना हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। सीक्रेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सही है, जो क्या करता है, लार्ज अमाउंट जो होता है ना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ना सीक्रेट करता है, व्हिच इज अ जेली लाइक मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स। सही है, जो क्या होता है, जो जेल लाइक जो है ना मिक्सचर होता है, किसका, प्रोटीन्स और जो पॉलीसेकेराइड्स जो होता है ना उसका मिक्सचर होता है। सही है बेटा, अभी कार्टिलेज जो होता है ना, एक्चुअली ये भी कनेक्टिव टिश्यू है और ये भी सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और ये क्या करता है, ये सपोर्ट का जो है ना काम करता है। कार्टिलेज जो होता है वो हमारा प्रोटीन्स और क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स का मिक्सचर होता है, उसको सीक्रेट करता है अपने जो है ना अराउंड। अच्छा, द मेन प्रोटीन इन द मैट्रिक्स जो होती है ना, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कोलाजिन। अब मेन प्रोटीन्स जो होती है ना, वो क्या होती है, जो मैट्रिक्स में जो मेन प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन्स को जो है ना हम कोलाजिन कहते हैं। कोलाजिन जो होती है ना, वो प्रोटीन होती है हुज फाइबर्स रन जो है ना इन ऑल डायरेक्शन।
अभी जिसके फाइबर्स जो होते हैं धागे नुमा जो होती है ना, ये प्रोटीन्स होती है, जिसके जो धागे होते हैं ना वो हर डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं थ्रू द मैट्रिक्स जेल एंड गिव द कार्टिलेज जो है ना, थ्रू द जो होता है मैट्रिक्स जेल एंड गिव द कार्टिलेज जो है ना स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। सही है, जो क्या करता है स्ट्रेंथ और जो है ना इलास्टिक सिटी देता है किसको बेटा, कार्टिलेज को। अच्छा अभी कार्टिलेज जो होता है ना वो क्या होता है, कार्टिलेज आर फाउंड एट द सरफेस ऑफ जॉइंट, और कार्टिलेज जो होता है ना वो क्या होता है, जहाँ पर ज्वाइंट होते हैं ना उसके सरफेस पर पाया जाता है। सही है, हूज बोन्स मूव्स अगेंस्ट ईच अदर, बेटा कार्टिलेज जो होता है ना एक्चुअली क्या होता है, पैड का काम भी करता है। अभी जॉइंट क्या होता है, जॉइंट वो साइट होती है जहाँ पर दो बोन्स जो होती है ना आपस में कनेक्ट करती हैं। सही है, अभी दो बोन्स आपस में कनेक्ट करती हैं तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती हैं, तो बोन्स तो एक्चुअली हार्ड होती हैं और वो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करेंगी, अगर फ्रिक्शन होगा तो वो ब्रेकअप हो जाएंगी। तो कार्टिलेज का उनके ऊपर पैड चढ़ा हुआ होता है उनके जॉइंट पे, जॉइंट में, ताकि वो अगर एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करें तो कार्टिलेज जो होता है ना कुशन का काम करता है और उनको ग्राइंडिंग होने से जो है ना वो बचाता है। सही है बेटा, अभी इट आल्सो फॉर्म द स्टिफ बट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, सही है, ये क्या करता है, ये स्टिफ मीन सख्त और फ्लेक्सिबल जो है ना स्ट्रक्चर बनाता है। सही है, जैसे क्या कहते हैं लाइक अ लैरिंग्स एक्सटर्नल ईयर, जैसे क्या करता है लैरिंग्स होती है, लैरिंग्स एक्चुअली क्या होती है, ये रेस्पिरेटरी पैसेज की जो है ना पाथवे होता है। सही है, उसके बाद जो होता है ना एक्सटर्नल ईयर द टिप ऑफ द नोज, नोज़ की जो टिप होती है ना वो भी किसकी बनी होती है, लैरिंग्स की बनी होती है, जो भी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है जैसे एक्सटर्नल ईयर पिना। सही है, लैरिंग्स जो होती है रेस्पिरेटरी पैसेज में आती है। सही, जिसको हम क्या कहते हैं वोकल जो है ना वो मतलब साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जिससे साउंड प्रोडक्शन होती है। और उसके बाद जो एक्सटर्नल ईयर पिना हो गया, नोज़ की टिप हो गई, और इसके अलावा जो शार्क्स और जो स्कैट्स होती है ना आर कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिशेस। सही है, अ शार्क और जो स्केट्स जो होता है ना ये कार्टिलेजिनस फिशेज होती है, बिकॉज इट्स स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेज। सही है, क्योंकि इसका जो स्केलेटन जो होता है ना वो किसका बना हुआ होता है, कार्टिलेज जो होता है ना उसका बना हुआ होता है। सही है बेटा, अच्छा अब उसके बाद क्या होती है इन अदर आल जो है ना वर्टिब्रेट्स। सही है,
एम्ब्रियोनिक जो है ना स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेज। सही है, जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, मतलब कि वर्टिब्रेट्स स्केलेटन जो होता है इज मेड अप ऑफ द जो है ना मतलब के इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेज। वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोनिक जो स्केलेटन जो होता है वो भी जो होता है किसका बना हुआ होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। सही है बेटा, मतलब अर्ली जो होता है हमारा भी जो एम्ब्रियोनिक जो स्टेज में जो स्केलेटन था ना वो कार्टिलेज का होता है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम मिनरल्स होते हैं ना, जिसके नतीजे में कार्टिलेज जो होता है ना ग्रेजुअली रिप्लेस इन टू द बोन्स, और जो कार्टिलेज जो होता है ना वो क्या होता है रिप्लेस हो जाता है किसमें, बोन्स में। अच्छा सेल्स, अब इसके बाद जो है ना ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया किसके बारे में, कार्टिलेज के बारे में। देखें जो ह्यूमन जो एंडोस्केलेटन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो ह्यूमन एंडोस्केलेटन जो होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है और मोस्टली जो है ना ट्रू एंडोस्केलेटन होता है, और वो लिविंग क्या होता है एंडोस्केलेटन होता है, और वो जो लिविंग एंडोस्केलेटन जो होता है वो दो टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, उन कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं बोन्स एंड कार्टिलेज कहते हैं। सही है बेटा, अभी बोन्स जो होती है वो हार्ड होती है स्ट्रक्चर में, और जो कार्टिलेज होती है ना वो फ्लेक्सिबल होती है। अच्छा बोन्स जो उसके फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन अबाउट द कार्टिलेज, अभी कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स एक्चुअली द सेल ऑफ द कार्टिलेज, और जो कॉन्ड्रियोसाइट्स जो होते हैं वो सीक्रेट्स जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सही है, अभी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक्चुअली द जेल लाइक मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन्स एंड द पॉलीसेकेराइड। सही है, और जो प्रोटीन्स जो मेन प्रोटीन जो होती है ना वो मैट्रिक्स में वो कोलाजिन कहलाती है, और जिसके पास वो और वो जो कोलाजिन प्रोटीन्स जो होती है वो फाइबर्स की तरह होती है, धागे नुमा होती है, और वो हर डायरेक्शन में मूव करती है, जिससे क्या होता है कि कार्टिलेज जो होता है ना उसको स्ट्रेंथ मिलती है और इलास्टिसिटी मिलती है। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होता है, और इलास्टिसिटी जो होती है वो लचक होती है। सही है बेटा, अब उसके अलावा जो कार्टिलेज जो होता है ना वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, उसकी लोकेशन, अ कार्टिलेज आर फाउंड एट द सरफेस ऑफ द जॉइंट। कार्टिलेज जो होता है वो जॉइंट्स जो होते हैं उसके सरफेस पर होता है, जैसे पैड की तरह लगा हुआ होता है। सही है, उसके पास क्या होता है, हुज बोन्स मूव्स अगेंस्ट जो है ना ईच अदर, अभी बोन्स जो है ना वो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती है ना, तो फिर क्या होता है ग्राइंड ना हो जाए टूट ना जाए, तो उसको उससे बचाने के लिए क्या होता है कार्टिलेज की जो है ना वो पैड होते हैं। अच्छा उसके बाद क्या होते हैं, ये स्टिफ स्ट्रक्चर भी बनाते हैं बट फ्लेक्सिबल लाइक अ लैरिंग्स, जो सांस की नाली होती है, और एक्सटर्नल ईयर जो पीना होता है वो भी कार्टिलेज का बना होता है। द टिप ऑफ द नोज, नोज की जो टिप होती है ना वो भी किसकी बनी होती है कार्टिलेज की। सही है बेटा, उसके अलावा जो शार्क और जो स्कैट्स वगैरह होती है ना वो भी कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं। और शार्क और जो स्कैट्स जो होती है एक्चुअली इनको कार्टिलेजिनस फिशेज कहते हैं, बिकॉज इट्स अ स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेज, क्योंकि जो इसका स्केलेटन जो होता है ना वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। उसके बाद वर्टिब्रेट एम्ब्रियोनिक स्केलेटन जो है ना इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, और वर्टिब्रेट का जो एंडोस्केलेटन जो होता है ना वो भी किसका बना हुआ होता है कार्टिलेज जो होता है उसका बना हुआ होता है। सही है बेटा, अभी नेक्स्ट में जो है ना हम क्या करेंगे, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटा अभी बोन्स की स्टडी को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, और सेल्स ऑफ बोन्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स।
सही है, मतलब बोन्स के जो सेल्स होते हैं ना उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। दे आल्सो सीक्रेट द जेल लाइक मैट्रिक्स। सही है, ये भी क्या करते हैं, जेल लाइक जो मैट्रिक्स जो होता है ना उसको सीक्रेट्स करते हैं। सही है बेटा, अराउंड देम। अच्छा उसके बाद दिस आल्सो कंटेन द नेटवर्क ऑफ कोलाजिन फाइबर्स। दिस आल्सो कंटेन द नेटवर्क ऑफ कोलाजिन जो होते हैं ना फाइबर्स। सही है, बट अनलाइक कार्टिलेज इट इज अ हार्डेंड। अब कार्टिलेज की तरह जो होते हैं ना ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, ये हार्डेंड होते हैं। सही है, बाय द डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल्स। लाइक जो है ना कैल्शियम फास्फेट। सही बेटा, अभी ये क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, मगर जो कार्टिलेज जो होती है ना वो फ्लेक्सिबल होती है, बोन्स जो होती है हार्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर डिपॉजिट हुआ हुआ होता है। क्या मतलब, इसके अंदर डिपॉजिट होता है मिनरल्स लाइक कैल्शियम जो होता है ना फास्फेट। अच्छा बेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्टिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को ना हम क्या कहते हैं, ऑस्टिफिकेशन आर द कैल्सिफिकेशन कहते हैं। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जो है ना विटामिन डी। विटामिन डी का जो है ना दूसरा जो नेम है, लोकल नेम, इसको बोलते हैं कैल्सिफिरोल। इसको हम कैल्सिफिरोल भी कहते हैं, विटामिन डी को। सही है बेटा, अभी उसके बाद क्या होता है, देखे ये सारा का सारा जो है ना, ये क्या अबाउट अ बोन्स, बोन्स की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, और बोन्स के जो सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। अभी ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं ना वो सीक्रेट करते हैं क्या, जेली लाइक जो है ना मैट्रिक्स अराउंड जो है ना देम, अपने इर्द गिर्द जो है ना जेली लाइक सबस्टेंस जो होता है ना वो सीक्रेट करते हैं। अभी उस नेटवर्क, उसमें जेली लाइक सबस्टेंस में आल्सो कंटेन द कोलाजिन प्रोटीन्स। और कोलाजिन क्या होते हैं, फाइबर्स जो है ना कंटेन करते हैं, बट अनलाइक कार्टिलेज इट इज़ जो है ना हार्डेंड। सही है, कार्टिलेज जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, मगर जो बोन्स होती है ना वो हार्डेंड होती है बाय द डिपोजिशन ऑफ द क्रिस्टल्स लाइक अ कैल्शियम फास्फेट। इसमें क्या होता है, डिपॉजिट हुआ हुआ होता है क्या, कैल्शियम जो है ना फास्फेट। अब इस प्रोसेस को जो है ना हम क्या कहते हैं, ऑस्टिफिकेशन आर द कैल्सिफिकेशन कहते हैं। और ये ऑस्टिफिकेशन और द कैल्सिफिकेशन के लिए क्या होता है, सेकंड मैसेंजर जो होता है ना वो होता है, और सेकंड मैसेंजर जो होता है वो हमारा विटामिन डी होता है, और विटामिन डी को जो है ना हम कैल्सिफिरोल भी कहते हैं। मतलब कैल्सिफिरोल आर द विटामिन डी का अहम रोल होता है, जो डिपॉजिशंस करवाता है किसकी, मतलब कैल्शियम्स जो एब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम्स की फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स में से। सही है बेटा, तो ये सारा का सारा जो है ना इसी में जो है ना कैल्सिफिकेशन और ऑस्टिफिकेशन, विच मींस द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स।
बोन्स के अंदर कैल्शियम का डिपॉजिट होना तो वो क्या कहलाता है, कैल्सिफिकेशन कहलाता है, या उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टिफिकेशन कहते हैं। अभी देखें अगर क्या होगा कि कैल्शियम जो है ना वो बोन्स में डिपॉजिट नहीं होगा तो जिसके नतीजे में बोन्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी और ईजिली जो है ना वो ब्रेकअप हो जाएंगी। और इस डिजीज़ को जो है ना हम कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स जो होती है ना विटामिन डी की डिफिशेंसी की वजह से होती है। सही है, विटामिन डी की डिफिशेंसी की वजह से जो डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है, रिकेट्स होता है। तो रिकेट्स जो होता है ना एक्चुअली क्या होता है, बोन्स जो होती है ना वो सॉफ्ट हो जाती है और इजीली ब्रेकअप एबल हो जाती है। और ये मोस्टली चाइल्ड में होता है जो क्या करते हैं, जो अपनी डाइट्स में जो होते हैं ना कैल्शियम वगैरह जो होता है ना उसको नहीं लेते। तो ये बेटा हमारा जो था ना आज का जो टॉपिक्स जो था वो अबाउट बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में था कि बोन्स और कार्टिलेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंडोस्केलेटन को बनाते हैं। बकाया जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर जो है ना हम डिस्कस करेंगे अबाउट जो है ना जॉइंट्स के बारे में और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में। अभी जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके बेटा।